दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, जिसके चलते इस अभियान से जुड़ने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शंकर शाहनगर वार्ड की रीवा कॉलोनी पार्क में पौधारोपण किया गया, जिसमें क्षेत्र के बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं। बेटा तुम भी डाल दो मिट्टी, तुम भी डाल दो मिट्टी, डाल दो बेटा, डाल दो। दैनिक भास्कर की यह मुहिम अत्यंत ही प्रशंसनीय है और समाज के अंदर जो आज ऑक्सीजन की कमी के कारण ही अनेकों मौत हुई हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए यह जो आयोजन इनका चल रहा है निश्चित तौर पे देश के लिए सार्थक है, जीवन के लिए सार्थक है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं भास्कर परिवार को, शिवसेना परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अरुण महावर के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्य किया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भी हमेशा स्वस्थ रहे और इस प्रकार के कामों में लगा। इसी प्रकार कौटिल्य एकेडमी और अनुशासन आईटीआई परिसर में भी उत्साहपूर्वक संस्था के सदस्यों ने नीम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। नरेंद्र सिंह सोमवंशी, कौटिल्य एकेडमी परिवार की ओर से आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। दैनिक भास्कर की इस पहल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सराहना करता हूँ दैनिक भास्कर परिवार का कि इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको बड़े पैमाने पर पूरे जबलपुर में और मेरे हिसाब से तो पूरी विश्व में हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इसको किया जाना चाहिए। धन्यवाद। और वृक्षारोपण के साथ मेरे देश को और यहाँ के जबलपुर शहरवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम कुछ इस देश को और अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि हरा भरा भारत दें, जिससे उनके आने वाले जीवन के जो भी पल रहेंगे बड़े सुखदायी रहेंगे और भारत हमारा स्वस्थ रहेगा। पौधारोपण अभियान दल का अगला पड़ाव मेडिकल कॉलेज के पास स्थित वृद्धाश्रम रहा, जहां वृद्धाश्रम के सदस्यों और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने मिलकर पौधारोपण कर सबके लिए मंगल कामनाएं की। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित किए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसकी विशेष बात है कि इसमें नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त हैं। आज यहाँ वृद्धाश्रम में हमने वृद्धाश्रम के अंतःवासियों के साथ इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है। धरती को हरा भरा बनाने और संस्कारधानी को एक बेहतर ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित करने की मंशा के साथ पौधारोपण का अभियान जारी है, जिसमें लोग सेवा भाव के साथ जुड़ रहे हैं।